So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is Shahnawaz and in today's video we will talk about Wi-Fi system on board. Connectivity का क्या सीन होता है जहाज पे एंड इससे रिलेटेड मेरे को बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं बच्चे कि सर आप क्या वहाँ से फैमिली से बात कर सकते हो, क्या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर सकते हो, ये सारे डाउट्स मेरे को आते हैं. एंड कुछ बच्चे तो ये भी पूछते हैं कि सर आप जब जहाज पे होते हो, जब बीच समुद्र में, तो आप कौन सा सिम यूज करते हो, एयरटेल या जियो या फिर वोडाफोन, कौन सा अच्छा चलता है वहाँ पे. तो ऐसे सारे डाउट्स आते हैं, तो आज इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, पूरा सिस्टम समझते हैं कि वाईफाई का सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट का सिस्टम क्या होता है, एंड कितना डेटा आपको मिलता है, लिमिटेशंस, एवरीथिंग विल टॉक एंड फ्यूचर के बारे में बात करेंगे. तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाईफाई सिस्टम के बारे में. तो यहाँ पे देखो, कोई आपका सिम का काम तो है नहीं. जब आप एक बार कोस्टल एरिया छोड़ते हो, तो कोस्टल एरिया में छोड़ने के बाद आप अगर सिम कोई भी यूज करते हो, कोई आप लोकल सिम भी यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई यूज्ड टू बी इन यूरोप तो मैं लाइका यूज करता था, बट एक बार कोस्टल एरिया आप छोड़ते हो तो उसका सिम का नेटवर्क चला जाता है, देन यू आर टोटली रिलाई ऑन द वाईफाई ऑफ द सिम. तो वाईफाई जो होता है वो आपका सैटेलाइट बेस्ड वाईफाई होता है. अब यहाँ पे भी कुछ पैसेंजर सिम्स में आपके दो टाइप के वाईफाई मिल जाएंगे, एक तो आपका सैटेलाइट बेस्ड, क्योंकि आप शोर छोड़ के जाते हो दूर तब आप यूज करते हो, एंड उसके अलावा जब आप कोस्टल नेविगेशन कर रहे होते हो उस टाइम आपका 4G और 5G इंटरनेट लगा होता है, मॉडेम लगा होता है, जो कि आपको कोस्टल एरियाज में ही मिलेगा. जब आपके पास टावर की कनेक्टिविटी होगी तभी मिलेगा एंड वो फास्ट होता है, बट सैटेलाइट वाला सिस्टम उतना फास्ट नहीं है अभी फिलहाल, जो भी सिस्टम यूज होता है ऑन बोर्ड. एंड जो ये कनेक्टिविटी होता है, जो ये सैटेलाइट होते हैं, वो आपके या तो लोअर अर्थ ऑर्बिट वाले जो सैटेलाइट हैं या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, उनको यूज करके ही ये वाईफाई सिस्टम है ऑन बोर्ड. तो ये है वाईफाई का सिस्टम. मतलब आप भी तक सारे ही जहाजों पर सैटेलाइट इंटरनेट है एंड जो पैसेंजर शिप वगैरह होते हैं तो उसपे आपके मॉडेम लगे होते हैं फॉर कोस्टल नेविगेशन एंड वहां पे आपको अच्छा कनेक्टिविटी मिलता है. इसके बाद इसके लिमिटेशन एंड कनेक्टिविटी इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं. तो लिमिटेशन में सबसे पहले इसका कवरेज एरिया आपका जो सिप का वाईफाई सिस्टम होता है उसका कवरेज सिर्फ एकोमोडेशन में ही होता है, एंड एकोमोडेशन में भी पूरा चारों तरफ नहीं होता है, कहीं कहीं वो ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां पे आपका वाईफाई अच्छा नहीं चलता है, ये भी पॉसिबिलिटी है. लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे कैबिन में आप जब गेट के पास रहते थे तो आपको पूरा बढ़िया वाईफाई चलता था, बट गेट के जो ही अब थोड़ा सा अंदर था, लाइक बेड पे अगर जाता था तो मेरा वाईफाई कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, बिकॉज जो राउटर से डिस्टेंस मेरे कैबिन का बहुत दूर था और मेरा कैबिन बिल्कुल किनारे पे था, इसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था. तो ये भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है. एंड इसके बाद पूरा एकोमोडेशन में होता है, एकोमोडेशन के बाहर डेक पे वाईफाई का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ये भी डाउट मेरे को पूछा जा रहा था. तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एकोमोडेशन में आपको वाईफाई मिलता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं. ये हो गया इसके बाद लिमिटेशन. अभी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है एंड इवन यू आर गोइंग इन डीप सीज जहाँ पे कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई भी लैंड नहीं है, वहां पे भी आपको ये आपको स्पीड मिल रहा है, आपको डेटा मिल रहा है, बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन है. कभी कभी आप एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट पे जाते हो, कभी कभी एक आप ऐसे हेडिंग पे जाते हो जब आपका वाईफाई काम करना बंद कर देता है. लाइक अगर आज भी आप कोई इंटरनेट कनेक्ट कर लो, वाईफाई कनेक्ट कर लो एंड उसका डेटा ऑफ हो तो नो इंटरनेट आता है ना, तो ऐसा वाला सीन होता है. एंड ये कभी भी हो सकता है, आपको नहीं पता. मैं खुद कभी कभी ऐसे जब जाता था वॉच खत्म करके कि नाउ आई विल गो एंड टॉक टू माय फैमिली या फिर जिससे भी आपको बात करना है, तो जब आप कनेक्ट करोगे उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कनेक्शन नो इंटरनेट में चेंज हो जाता था बिकॉज ऑफ द हेडिंग या फिर वो हम लोग ब्लाइंड स्पॉट में होते थे इसकी वजह से. तो काफी प्रॉब्लम होती है, ये सारे भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं. एंड बाकी स्पीड का तो क्या ही, आज के टाइम पे जो वाईफाई सिस्टम पे यूज हो रहा है उसपे स्पीड का लिमिट बहुत ही ज्यादा है, उसमें बहुत कम स्पीड आता है. लाइक मैं अपने जहाज का बताऊं तो मेरा बहुत अच्छा स्पीड था, लाइक 200 KB तक तो आ ही जाता था आराम से, जब कोई नहीं यूज करता था, जब मैं रात को उठ के यूज करता था तो उस टाइम पे 200 KB 300 KB आ जाता था. बट मैंने अपने दोस्तों से पूछा, उनके वहां का वाईफाई इतना बेकार होता है कि लाइक 50 KB और मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा तो भी 100 KB जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है, एंड वो भी बहुत रेयर चांस में. तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस सिप वाईफाई सिस्टम. इसके बाद बात कर लेते हैं डेटा लिमिट एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन कि सिप पे वाईफाई कितनी जरूरी है. तो देखो, डेटा लिमिट मेरे जहाज पे तो नहीं था, देयर वाज नो लिमिट. 24/7 यू कैन यूज अनलिमिटेड इंटरनेट, कोई भी आपका लिमिट नहीं होता, बट ये चीज सारे जहाजों पे नहीं है. मोस्ट
ऑफ द जहाज जो मेरे दोस्त जिसपे हैं उनसे यही सुनने को मिलता है कि उनके पास लिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन है और कुछ के वहां तो इतना लिमिटेड है लाइक 200 MB फॉर अ मंथ, 100 MB फॉर अ मंथ या फिर 50 MB फॉर अ वीक ऐसे करके। किसी किसी के वहां ज्यादा अच्छा लाइक 2.5 GB फॉर अ वीक, ये अच्छा है। 2.5 GB आप वैसे भी यूज नहीं कर पाते हो एंड इट इज अ गुड स्पीड इंटरनेट, तो आप आराम से अपने घर वालों के साथ बात करके आप एक हफ्ते तक 2.5 GB में काम चला सकते हो अब अगर आप इधर उधर सर्फिंग ना करो तो आराम से चल जाता है। तो ये चीज है, आपका जो डेटा है मोस्ट ऑफ द सिप पे आज भी लिमिटेड ही है, बट मेरे कंपनी में जहाँ पे मैं था वहाँ पे इट वाज अनलिमिटेड 24/7 विद थोड़ा सा अच्छा स्पीड कम्पेयर टू बाकी अदर सिप। ये एक फैसिलिटी मेरे वहाँ बहुत अच्छी थी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जहाज पे वाईफाई कितना इंपॉर्टेंट है। एक पैसेंजर या फिर एक क्रू का टेस्टिमोनियल मैं अपना पर्सनली बताऊंगा। तो जब आप दिन भर काम करके थक जाते हो एंड मेरा पर्सनल ये आदत है कि मैं डेली फैमिली से बात के बिना रह नहीं सकता हूँ, तो मैं पिछले जहाज पे 10 महीने किया है ऑलमोस्ट हर दिन मैंने बात किया है, बस वो एक दो दिन छोड़ के जब ज्यादा वर्कलोड होता था तो मैं डेली बात करता था एंड फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज बता दूं कि अगर आज के टाइम पे अगर आपको पता चले कि जहाज पे वाईफाई सिस्टम नहीं है तो आप पर्सनली जाना पसंद नहीं करोगे, एंड मेरा पूछो तो मैं बोलूंगा मेरे को नहीं जाना है, बट आज के टाइम पे वाईफाई है इसीलिए मोस्ट ऑफ द सीफेयर्स आर गोइंग ऑन बोर्ड। अगर कल को आपको ये पता चले कि किसी भी जहाज पे वाईफाई नहीं मिलेगा व्हेन यू विल बी गोइंग इन द डीप सी या फिर ओपन सी में तो आपको वाईफाई नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाओगे 100% श्योर। तो इसके वजह से वाईफाई बहुत जरूरी है जब पूरा दिन आप काम करके आते हो थक के एंड आपको थोड़ा सा बात करना अपने लव्ड वन से तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। एंड अभी के टाइम पे अगर वाईफाई ना हो तो सीफेयरर्स तो फिर नहीं जाने वाले। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्यूचर ट्रेंड के बारे में। तो बहुत लोगों का ये बोलना था ये स्टारलिंक के बारे में कि ये जहाज पे आएगा तो बहुत अच्छा होगा, तो आज के टाइम पे बता दूं स्टारलिंक एंग्लोशन का भी रिसेंट न्यूज आया, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने पोस्ट डाला था ये इंस्टाग्राम पे, इन लोगों ने अपने 200 जहाजों पे स्टारलिंक डाल दिया ऑलरेडी। स्टारलिंक अगर आपको नहीं पता तो ये स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट यूज करके आपको अच्छा खासा स्पीड वाला इंटरनेट प्रोवाइड करेगा जो कि काफी मजेदार है। जहाज पे अगर आपको अच्छा खासा वाईफाई मिल जाए मेरे को बहुत चाहिए यार, मेरे को पर्सनली वहां से जाके फिर बड़ी मरीनर्स को संभालना और ये चीज। अगर आपको एक अच्छा इंटरनेट मिल रहा है तो आई कैन टेक लाइव क्लासेस आल्सो फ्रॉम देयर ओनली, तो काफी अच्छा हो सकता है ये चीज। तो ये चीज भी आ रही है एंग्लोस्टन का रिसेंटली जो पोस्ट आया, अगर आप उनके वेबसाइट पे भी जाते हो वहां पे भी देख सकते हो या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो द मरीनर इसके तो उसमें ये सब न्यूज आपको मिलता रहता है। तो उन लोगों ने रिसेंटली 200 जहाजों पे ऑलमोस्ट स्टारलिंक सेट कर दिया है, मतलब एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन सेट कर दिया है। थोड़ा सा महंगा पड़ता होगा लेकिन फिर भी अगर उन लोगों ने डाला तो काफी अच्छे स्टेप है। आपके जो वहाँ के सीफेयर्स होंगे वो उनको तो बहुत खुशी होती होगी इस चीज को लेके, बहुत अच्छा है वाईफाई मिलता होगा। तो ये चीज है, ये अगर आगे पूरे जहाजों पे हर कंपनी में तो मजे आ जाने वाले सीफेयर्स के लिए। बस यही एक लिमिटेशन था जो कि अगर फुलफिल हो जाए तो फिर बाकी तो जहाज पे और कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब कुछ हम लोग टैकल कर लेते हैं, बस एक वाईफाई बढ़िया आ जाए स्टारलिंक वाला। बाकी मेरे जहाज का एक और चीज मैं बताऊंगा यार, मेरे जहाज पे जो वाईफाई था काफी अच्छा था कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। अनलिमिटेड पहली बात तो अनलिमिटेड 24/7 कभी भी आप कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं ब्लाइंड स्पॉट में जाते थे तो खत्म हो जाता था, बट स्पीड बढ़िया। और एक और चीज ये था कि हम लोग अगर कोस्टल नेविगेशन करते थे यूएस साइड में तो वो ऑटोमेटिक स्विच होके 4G इंटरनेट कनेक्शन हो जाता था एंड वो उस टाइम पे 5 MB 6 MB पर सेकेंड स्पीड भी देता था, तो वो काफी माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए क्योंकि वो किसी और जहाज पे नहीं था मेरे दोस्तों के। मैं जब पर्सनली उनको इस चीजें शेयर करता था एंड इवन मैं पार्टीज में, मेरे को अभी भी याद है मैं अपना YouTube पे 1080p में वीडियो चलाता था पार्टी में बाइसेप्स वाईफाई ओनली। अगर ये चीज किसी को विश्वास नहीं होगा बट ये चीज मैंने किया, आपको वीडियो भी दिख जाएगा। ये गाने उधर जहाज पे यूट्यूब पे बजाता था सिर्फ वाईफाई यूज करके। ये सारी चीजें हैं, बाकी यही चीजें हैं वाईफाई को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा इंटरनेट आ जाए हर जगह, आज भी बहुत सारे जहाज है जहाँ पे बहुत लिमिटेड है या फिर कुछ जहाज तो ऐसे जहाँ पे नहीं भी है, तो एक ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर आप कोई कंपनी चूज करते हो। अच्छी कंपनी में जाने का यही फायदा होता है, वाईफाई अच्छा मिलता है एंड इट शुड बी अ फैक्टर टू ज्वाइन अ कंपनी आपके लिए। अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हो तो वहां का वाईफाई के बारे में भी पता करो कि क्या अच्छा वाईफाई मिलता है कि नहीं यहाँ पे, इसको अपने लिस्ट में रखो तो चूज ए कंपनी। आपके पास बहुत सारे स्पॉन्सरशिप है तो उसमें पता करो कि किस कंपनी में अच्छा वाईफाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये सारी चीज करो एंड बाकी जितनी भी सारी अच्छी कंपनी है सारे जगह वाईफाई आज के टाइम पे अच्छा ही मिलता है, ये चीज है। तो दैट्स इट अबाउट
दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया, एंड इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपसे रह गया होगा जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं पर्सनली वहां पे क्लियर कर दूंगा वाईफाई से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जस्ट गिव इट अ लाइक एंड प्लीज कॉमेंट डाउन योर डाउट्स एंड सम टॉपिक्स जिसपे मैं वीडियो बना सकूँ। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।